शाहरुख खान के ड्वार्फ रोल के ऑपोजिट हो सकती है दो टॉल एक्ट्रेसेस कैटरीना और दीपिका। क्या दोनों एक्ट्रेसेस के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टर ने दोनों लीडिंग एक्ट्रेसेस को किया साइन? खबरों की माने तो तनु वेड्स मनु फेम डायरेक्टर आनंद एल राय की नेक्स्ट मूवी टेंटेटिवली टाइटल्ड द ड्वार्फ में शाहरुख के ऑपोजिट दीपिका और कैटरीना दोनों के इम्पोर्टेंट रोल्स होंगे। फिलहाल खबर कंफर्म तो नहीं है, मगर यहाँ आपको बता दें कि इस पर्टिकुलर रोल के लिए दोनों एक्ट्रेसेस में ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन बन गई थी। सोर्सेस की माने तो इस रोल के लिए पहले आनंद ने दीपिका को अप्रोच किया, बट दीपिका वाज बिजी फिनिशिंग हर हॉलीवुड कमिटमेंट्स एंड सो डिड नॉट सील द डील व्हेन अप्रोच्ड द फर्स्ट टाइम अराउंड। आनंद ने इसके बाद कैटरीना को ये रोल ऑफर कर दिया और इस बात से दीपिका बड़ी हैरान हो गई कि उन्हें सेकंड टाइम चेक किए बिना आनंद ने कैटरीना को क्यों कास्ट कर लिया। रिपोर्ट्स हैं कि दीपिका ने फ्रेंटिकली आनंद को कॉल किया और अपनी नाराजगी जताई। यही नहीं, उन्होंने सबको कहना शुरू कर दिया कि इस रोल के लिए दीपिका को ही पहले अप्रोच किया गया था एंड आफ्टर हर रिजेक्शन रोल कैटरीना को मिल गया। अब खबर आ गई है कि ये दोनों साथ में इस मूवी में कास्ट कर ली गई हैं। मगर इन दोनों की एक दूसरे के लिए डिस्कम्फर्ट को देखते हुए यही लगता है दैट दिस इज गोना बी हेल ऑफ अ राइड फॉर डायरेक्टर साहब। अपेरेंटली रणबीर कपूर की वजह से शुरू हुआ इनका ये वॉर अब सिर्फ लव फ्रंट पर नहीं है बल्कि वर्क फ्रंट पर भी बराबर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.